हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टीना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यस और नो रीडिंग है। तो हमारे पास हैं 6 कार्ड्स, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5 एंड कार्ड नंबर 6। तो आपको का जो भी क्वेश्चन है आपको पता होगा यस और नो रीडिंग कैसे काम करती है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। करना क्या है, आपको मन में एक क्वेश्चन सोचना है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी बारे में हो सकता है। एंड देन उसके बाद 6 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लेना है। अगर आपके क्वेश्चन एक से ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं, हर क्वेश्चन के लिए एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, यस और नो क्या रहता है आपका आंसर। सो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि गिव अवे चल रहा है चैनल पर। 10,000 सब्सक्राइबर होते ही 5 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 के साथ। सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनका आंसर यस होगा या नो, चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर कार्ड नंबर 1 जो आया है वो आया है 10 of Wands। तो अभी के लिए तो आपका आंसर है नो, मतलब आप काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी प्रेशर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम हो नहीं सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर क्या है कि जो स्ट्रेस है ना वो आपकी मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन ये जो बोझ है, जो प्रेशर ले रखा है वो आपने अब खुद ही ले रखा है। आप चाहे तो इस प्रेशर को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं और फिर अब उस सिचुएशन के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। बिना स्ट्रेस के भी ये चीज़ें पॉसिबल है जो फिलहाल आप करने की सोच रहे हो, क्योंकि ये स्ट्रेस है ना, जब 10 of Wands आता है, जो ये स्ट्रेस होता है ये खुद की इमेजिनेशन का स्ट्रेस होता है कि आपको लगता है कि आपकी तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी ही नहीं, कंधों पर से बोझ कभी उतरेगा ही नहीं। तो वो वाला जो सिचुएशन है ना वो आपकी इमेजिनेशन का है। अगर आप ये स्ट्रेस नहीं भी लोगे तब भी सिचुएशन सेम रहेगी, और स्ट्रेस ले भी रहे हो तो आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी, आपका माइंड ही ख़राब होगा, बाकी सब चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं। सो मैं आपको यही सलाह दूंगी जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है कि आप स्ट्रेस मत लो और जो भी आप काम करो उसके ऊपर वर्क करो। फिलहाल के लिए आंसर नो है, लेकिन अगर आप अपना स्ट्रेस लेना बंद कर देते हो, प्रेशर लेना बंद करते हो, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं आपके लिए। सो थैंक यू जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था। अब देखते हैं कि कार्ड नंबर 2 में क्या है आपके लिए। सो कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनका आंसर यस है या नो है, यस या नो। ओके, सो कार्ड नंबर 2 आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, और ये आंसर अगर मैं बोलूँ तो यस है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद यस है। मतलब आपको बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी तब आपका जो काम है वो बन जाएगा। ओवरऑल एनर्जी इस कार्ड की यस ही होती है, कभी भी आंसर ये नो नहीं देता कार्ड, और जो मेरा परसेप्शन है वो तो यही है कि ये आंसर यस है ऑब्वियसली। और आप में वो स्ट्रेंथ है भी, अगर वो स्ट्रेंथ आप भूल चुके हो तो आपको स्ट्रेंथ को जगाना है, और अगर आप स्ट्रेंथ दिखा ही नहीं रहे हो तो आपको स्ट्रेंथ दिखानी है। ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है, पेशेंस रखिए, भगवान के ऊपर बिलीव करिए, जिस चीज़ के ऊपर भी बिलीव करते हैं बिलीव रखिए, फेथ रखिए, और बिल्कुल पूरी हिम्मत से उस काम में लग जाइए तो आपका ये काम बिल्कुल पूरा हो जाएगा, 100% पूरा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और आपको बहुत सारी हिम्मत लगेगी, बहुत सारी हिम्मत, थोड़ा टाइम, एंड थिंग्स विल बी इन योर फेवर फॉर श्योर, क्योंकि इट्स 100% योर्स। सो आई होप कार्ड नंबर 2 वालों को अच्छा लग रहा होगा, थैंक यू सो मच। एंड अब चलते हैं कार्ड नंबर 3 की तरफ कि इन्होंने जो क्वेश्चन चूज़ किया है वो क्या है। आप जब मैं कार्ड खोलने वाली होती हूँ आप दोबारा से भी वो क्वेश्चन अपने मन में बोल सकते हैं। सो आई होप आपने बोल लिया होगा, सोच लिया होगा क्वेश्चन आपका क्या है। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड नंबर 3 का आंसर क्या है, यस या नो, यस और नो। ओके, सो जो कार्ड नंबर 3 है वो हमें सजेस्ट कर रहा है पेशेंस और हार्ड वर्क। मतलब हमें फ्रस्ट्रेशन हो रखी है किसी चीज़ की, मतलब हम जिस भी काम को मतलब यहाँ पर जो कार्ड नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, आप मेरे ख्याल से बहुत टाइम से ये काम करे जा रहे हैं और आपको ना उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना आपने सोचा है। लेकिन अभी मैं ये कह रही हूँ कि हार्डवर्क करते रहिए और पेशेंस रखते रहिए, फ्रस्ट्रेशन को ना भूल जाइए थोड़े टाइम के लिए, फ्रस्ट्रेशन छोड़ दीजिए, फ्रस्ट्रेट होना छोड़ दीजिए। आपका जो रिजल्ट है ना, जैसे हम होता है ना कि मेहनत करते हैं करते करते, लेकिन एक फिर टाइम आ जाता है जब आपको बैठ के खाने को मिलता है आराम से, तो आपका वो टाइम आ जाएगा।
लेकिन अभी आपका मेहनत करने वाला टाइम है, अभी आपका भागा दौड़ी वाला टाइम है, अभी और भी है, मतलब थोड़ा और टाइम बचा हुआ है भागा दौड़ी करने का, थोड़ा और मेहनत करने का, और फिर उसके बाद वो टाइम आ ही जाएगा जब आपको इस सारे हार्डवर्क का जो रिजल्ट है वो बहुत ही फ्रूटफुल वे में मिलेगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स अ यस, थोड़ा टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, सिंसियरली 100% देंगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी आपके लिए, और अगर आप थोड़ा कम हार्ड वर्क करेंगे, थोड़ा लाइटली लेंगे चीज़ों को, तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके हार्ड वर्क पे। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, लाइक जैसे इसमें है ना, ये ऐसे वेट कर रहा है, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, वैसे मत बैठो, अदरवाइज तो फ्रस्ट्रेशन होगी। अपने आप को बिजी रखो किसी काम में, या फिर जो काम का आपको रिजल्ट चाहिए उसके लिए मेहनत करते रहो, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इट्स अ यस फ्रॉम माय साइड, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने कार्ड 3 चूज़ किया था। अब चलते हैं कार्ड नंबर 4 की तरफ, कि आपका क्वेश्चन जो भी है आप अपने मन में सोच लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आपका आंसर यस है या नो है। कार्ड नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया उनका आंसर यस है या नो। ओ इट्स अ नो, सो इट्स अ नो, इट्स अ नो। यहाँ पर हमारे पास आया है नो, ये तो मतलब क्लियरली नो आया है, इतना क्लियर नो क्यों आया है, बट चलो जो भी है, यहाँ पे नो आया है। आपको मतलब ऐसे लॉस का एहसास होगा कि कोई चीज़ आपने खो दी है, कोई चीज़ आपको रिग्रेट भी होगा, ग्रीव भी होगा, बट मेरे ख्याल से ये लाइफ की सिचुएशन है, ये भी निकल जाएगी, ये टाइम भी निकल ही जाएगा, और बस हिम्मत रखिए और इस चीज़ से जल्दी बाहर निकलिए। हालांकि ये दिख रहा है कि आप ग्रीफ में रहने वाले हैं, परेशान रहने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इस टाइम, ये टाइम भी निकल जाएगा, चीज़ें आपके लिए आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगी। हो सकता है कि जो सिचुएशन आपने यहाँ बोली है वो आपको रिजल्ट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, लेकिन कोई और चीज़ अच्छी हो सकती है लाइफ में, या फिर कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लाइफ में, तो आप इस तरह से परेशान मत होइएगा, ये मैं आपको सलाह ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू जिन्होंने कार्ड नंबर 4 चूज़ किया था। आप चलते हैं हम कार्ड नंबर 5 की तरफ, कि यहाँ पर क्या है आपका आंसर। कार्ड नंबर 5 जिन्होंने चूज़ किया है, आप मन में अपना क्वेश्चन सोच लीजिए एक बार, एंड देन मैं कार्ड को पुल करती हूँ। सो आई होप आपने सोच लिया होगा अपना क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं आपका आंसर यस है या नो। तो यहाँ पर आया 9 of Wands। ओके, यहाँ पर अगेन देखिए स्ट्रेंथ के नीचे ही आया करेज का कार्ड, तो यहाँ पर अगेन आपका आंसर यस है, लेकिन बहुत हिम्मत लगेगी तब जाके ये चीज़ें होंगी। मतलब होता है ना कि चीज़ें आपसे छुपी रहती हैं, बहुत टाइम लगता है फिर वो सामने आती हैं, तो ये वाली वैसी सिचुएशन है आपका। हो सकता है काम ऑलरेडी बनने की कगार पे है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, अभी आपके सामने आते आते बहुत टाइम लग जाएगा, तब आपको एहसास होगा कि अरे अच्छा उस टाइम से ये चीज़ें हो रही थी और मुझे पता ही नहीं था। मतलब आपके लिए वो फ्रूटफुल है, ठीक है, आपने जो सोचा वैसे तो आपको पता होगा कि आपने तो कुछ अच्छा क्वेश्चन सोचा होगा ना, बुरा तो क्यों सोचोगे। लेकिन हाँ, जो ये भी जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है, जो भी काम आपने सोचा है, इसकी नींव ऑलरेडी रखी जा चुकी है, ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपके सामने इसका रिजल्ट बहुत बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, पर आंसर यस है आपका, जो भी है रिजल्ट तो आएगा। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है, बिकॉज मुझे नहीं पता आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या नहीं पूछा। सो इट्स अ यस फ्रॉम दिस कार्ड, एंड हिम्मत रखो, पेशेंस रखो, सच आपके सामने आ जाएगा, सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो ही जाएगी, कोई कुछ भी प्रॉब्लम होगी एवरीथिंग विल बी क्लियर आउट इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ जहाँ यहाँ ज़्यादा इश्यूज मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो चिल मारो, मतलब चिल वैसे मत मारो, हिम्मत रखो, चिल मारने का आपकी सिचुएशन ही नहीं है, हिम्मत रखो और खुश रहो। सो थैंक यू कार्ड नंबर 5 चूज़ करने के लिए। अब चलते हैं कार्ड नंबर 6 पे, और अब देख लेते हैं कि ये कार्ड नंबर 6 क्या कह रहा है, आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा। लास्ट कार्ड है, अब अपने मन में अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, जो सा भी क्वेश्चन आपको सोचना है। सो आपने चूज़ कर लिया होगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं आपका आंसर क्या है, यस या नो। ओह ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 10 of Cups आ गया फाइनली, ये मैं बहुत हैप्पी हूँ।
मैं क्यों इतनी हैप्पी हूँ? मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। सबसे पॉजिटिव कार्ड आया है, देख लीजिए यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं उसमें से सबसे बड़ा यस यही कार्ड का है, नंबर 6 का। ये आपने जो भी चूज़ किया है, जो भी बोला है, ये चीज़ें बिल्कुल होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है, बिल्कुल होगी, होके रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। बिग यस है, बहुत ही खुशी मिलने वाली है आपको। हो सकता है आपने मैरिज के लिए सोचा हो कि आपका रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा, या फिर शादी हो जाएगी या नहीं होगी, तो ये हो जाएगी। बाकी अगर जॉब या किसी और चीज़ के लिए भी सोच रहे हो तो बिल्कुल होगा ये, और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत खुशी होने वाली है आपको, ये परफेक्ट है। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कुछ कुछ ज़रूरत ही नहीं कुछ बोलने की, तो मज़े करिए, खुश रहिए, आपका आंसर यस है। एंड चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँगी कि गिव अवे चल रहा है चैनल पे, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो मैं विनर्स अनाउंस कर दूंगी। आई एम वेटिंग, आई एम डाइंग टू अनाउंस द विनर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर जरूर करेगा वीडियो को। थैंक यू, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी आज की। थैंक यू एंड बाय बाय।